हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर, आपका पीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जो टेंस की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से कार्य के जारी रहने का पता चलता है। पहली बात तो ये हमको आपको समझना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य होता है ये हमेशा जारी ही रहता है। और इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में? रहा है, रही हैं, रहे हैं। तो हम समझ जाते हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए इसके निर्माण को हम देखते हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में आई के साथ एम का प्रयोग, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउंस के साथ इसका प्रयोग, यू वी दे और प्लूरल नाउंस के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ आपको एम लगाना है और जितने भी सिंगुलर नाउंस हैं ही सी इट के साथ उनके साथ इज लगाना है, तथा यू वी दे तथा जितने भी प्लूरल नाउंस हैं उनके साथ आर का प्रयोग करना है। और क्या करना है आपको? जो आपका मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर देखिए आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए यू आपका प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है, तो यू आर राइटिंग अ लेटर। प्रतिभा नाच रही है, प्रतिभा प्रतिभा इज डांसिंग। तो प्रतिभा क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता के अनुसार इज नॉट, आर नॉट, आई एम नॉट का प्रयोग करते हैं, तथा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मतलब ही सी इट और सिंगुलर नंबर्स के साथ इज नॉट, और आई वी दे सॉरी वी दे यू और प्लूरल नंबर के साथ आर नॉट का प्रयोग, तथा आई के साथ आई एम नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग। बिल्ली दूध नहीं पी रही है, द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। तो यहां पर देखिए इट सिंगुलर है, इसलिए इट के साथ इज नॉट, यू प्लूरल है इसलिए आर नॉट, तथा द कैट सिंगुलर है इसलिए इज नॉट, और आई के साथ आई एम नॉट का प्रयोग किया गया है। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसे कहते हैं जो हिंदी में क्या नामक सबसे प्रारंभ होता है, तथा इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो इज एम आर है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसको कर्ता के अनुसार पहले लगा देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज एम आर को कर्ता के पहले लगाते हैं। और हिंदी में क्या पहचान है कि हिंदी में क्या नामक शब्द जो है पहले आ जाता है। एग्जाम्पल सर्व क्लियर होगा। देखें, क्या वह पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं शतरंज खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर देखिए ही सिंगुलर है इसलिए इस पहले आया है, यू बहुवचन है इसलिए आर पहले आया है, और आई के साथ एम पहले आया है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा करके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। दूसरा देखेंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन, या जिसको हम डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं।
इसमें हिंदी में आप कैसे पहचान करेंगे? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये जितने भी प्रकार के हिंदी शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में मिलते हैं, ये वाक्य के बीच में मिलते हैं। तथा जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो जो भी शब्द आएगा उसका पहले हम अंग्रेजी लिखते हैं। अंग्रेजी लिखने के बाद कर्ता के अनुसार हम इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे। जैसे वह क्या कर रहा है, वाट इज ही डूइंग। वे कब आ रहे हैं, वेन आर दे कमिंग। मुझे कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग मी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या की स्पेलिंग पहले वाट लिखा गया है, फिर वह के अनुसार ये लगाया गया है, फिर कब की स्पेलिंग वन लिख करके वे के अनुसार आर लगाया गया है, और मुझे हु इज कॉलिंग मी, तो मुझे के अनुसार जो है यहाँ पर हु इज कॉलिंग मी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का प्रयोग किया गया है, तो हम नाट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नाट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसे कि आप निगेटिव सेंटेंस में जानते हैं कि सहायक क्रिया के बाद हम नाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होने पर हम नाट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे क्या मोर जंगल में नाच रहा है, इज पिकॉक नॉट डांसिंग इन द जंगल। तो यहाँ पर देखिए पिकॉक आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग किया गया है। वह ढोल क्यों नहीं बजा रहा है, वाई इज ही नॉट प्लेइंग विद द ड्रम। तो यहाँ पर देखिए ही के बाद नाट का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप अनुवाद करें, सिंपल है, सरल है, कोई दिक्कत है नहीं। इन्हीं नियम के साथ आप अनुवाद करें, आपको काफ़ी समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों तक यह पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बोले मतलब सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।